मैं टोस्ट बनाऊंगी। ओह, टोस्टर मुझे भून देगा, आग लग गई है। हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। ओह, क्या ये ऐसे ही होना चाहिए था? फनी। व्हिप्ड क्रीम, मुझे ये बहुत पसंद है। खाना बनाने की प्रतियोगिता में पहली प्रतिभागी सूजी है। या चीनी है या नमक, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। दादी अब सब कुछ बेलने जा रही है। बस अब मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। दादी की पाई का एक टुकड़ा खाओ बेबी। परेशान मत हो बच्चे, दादी सभी को खिलाएंगी। ये चाकू काफी तेज नहीं है, इन चाकू से कुछ भी नहीं काट सकते। इस कॉकटेल को सुंदर तरीके से सर्व किया जाना चाहिए। हाँ यह ठीक है, मैं चाकुओं के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। हैया, शेफ बेबी एमा को खिलाने के लिए लड़ाई में शामिल होता है। मुझे बहुत भूख लगी है। यम यम। मल्टीडू पर एक कलिनरी बैटल शुरू हो रहा है। तैयार हो जाओ, यह बहुत मजेदार और बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ मैं समझ गई, मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम, क्या हुआ, हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है। तुम्हे नहीं सूजी, मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध, और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ ना हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डाले और डो तैयार कर ले। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी और बस स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा, फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाए, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डाले, और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ मेरे पास एक आइडिया है, स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है, अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है जैसा मैं चाहती थी। यह मुँह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है, मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूट्रेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए यह तय करना बहुत कठिन है, सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी मुझे सब पसंद आया। ओह लगता है मैंने बहुत खा लिया, मुझे बचाओ, हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको,
हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी, मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है, क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से ये खुल नहीं रहा है। मैं पूरी भींग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी, एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में एक चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बॉम्बों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह कोई बड़ी बात नहीं है, दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं एक कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह कितना भयानक, बचाओ आग। ओह इसे बुझा। ओह ये एक नुस्खा है, मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुरे, आखिरकार अब मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। यह भयानक स्वाद का है, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिंगो सकते हैं, यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी आपने अच्छा किया, आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है, मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह वो पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया, मैं जीत गई, मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वो कितनी खट्टी। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है।
सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा, कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, ये किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही, आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेड? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर, मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह झींगा, मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह यह बहुत चीज है, मुझे वह पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह मैंने ये किया। मैं अगले डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेज को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड तुम बहुत बुद्धू हो, हम कच्चे सॉसेज को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर तेल गर्म हो गया, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह क्या खुशबू है। ओह बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है। और यह तैयार हो गया। ओह कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? आह कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है,
मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है, यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है, डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा, एक असली मीठा बम होगा। ए, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई, वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी, तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी, यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार है, अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है, वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है, इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया, मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से, वाह। क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी, इस बार यह सब ठीक है, मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ, हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है, यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है, यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है, मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ, यह अच्छा रहेगा।
गमी बेयर और चॉकलेट सॉस। इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कार्मेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कार्मेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार, डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ, ये बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट, मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे, वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है, यह स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं? प्रोफेशनल शेफ के द्वारा बनाया गया या अपने घर के लोग जो आपको प्यार करते हैं उनके हाथ का बना हुआ? कमेंट्स में बताएं। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आप इन ब्लूपर्स के मजे लें।